सेक्टर ट्री, मल्टीपल्स एंड इवन एंड ऑड नंबर्स. सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर फैक्टर ट्री. फर्स्ट टॉपिक, नाउ एक नंबर दिया 60. अभी 60 के हमें टू पार्ट्स करने हैं, तो पहले मैं सोचूंगा कि 60 किसके टेबल में आता है. तो यहाँ पे ऐसे दो पार्ट्स बना लिए, तो 6 10s आता है, राइट. ना अभी मैं सोचूंगा इसके भी मैं पार्ट्स बना सकता हूँ, ये भी किसी के टेबल में आता है. सो 2 3s. अभी ये किसी के टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में और खुद के टेबल में. ये भी 1 के टेबल में और खुद के टेबल में, इसका मतलब ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, राइट. तो हमें इसको ऐसे करके 2 1s 2 और 3 1s 3 लिखना नहीं है. प्राइम नंबर आ गए तो उसका आंसर वही ख़त्म. अभी यहाँ पे 10 2 5s, ये 2 1s 2 5 1s 5, ये भी प्राइम नंबर है. सो हमारा फैक्टर ट्री बन गया. दिस इज़ द फैक्टर ट्री, ये उसके ब्रांचेज है, ये फ्रूट्स है, ऐसा समझ लो. सो दिस इज़ अ फैक्टर ट्री. लेट अस सॉल्व फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. 48, तो इसको मैं लिखूंगा 12 4s 48, राइट. अभी 12 भी किसी के टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, 6 2s 12. ये भी किसी के टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, ये 2 2s. अभी 2 2 और 2 वो प्राइम नंबर हो गए, तो वो उनका आंसर वहीं ख़त्म. ये किसी के टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, 2 3s. सो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, सो आंसर वहीं ख़त्म. अंडरस्टूड. फिफ्टी सिक्स किसके टेबल में आता है, 7 8s. अभी 7 तो 7 1s 7 और किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये इसकी बात यहीं ख़त्म. अभी ये किसके टेबल में आता है, 2 4s, ये प्राइम नंबर. ये किसके टेबल में आता है, 2 2s आंसर, क्योंकि ये दोनों तो प्राइम नंबर है. सो डन. नाउ सपोज ऐसे दिया हो 24 और हमें यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दिया है कुछ, दैट इज 6 4 और उसके दो ब्रांचेज यहाँ पे बनाए. लाइक दिस. अभी हमें इसका सोचना है, 6 किसके टेबल में आता है, 2 3s, 4 2 2s, चारों प्राइम नंबर है, आंसर वहीं ख़त्म. अंडरस्टूड. नाउ सपोज ऐसे दिया हो 2 एंड यहाँ पे ब्लैंक दिया, यहाँ पे 2 लिखा, देन यहाँ पे अगेन 2, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे ब्लैंक दिया, और ऐसे दिया. सो अभी हमें सोचना है कि 2 के टेबल में 32 कब आता है. 2 10s तो 20, देन 2 11s 22, 2 12s क्या आएगा, 24, 13 2s 26, 14 2s 28, 15 2s 30, 16 2s 32. सो 16 2s या 2 16s दोनों सेम ही होंगे. सो 16 2s 32, राइट. नाउ 2 के टेबल में 16, तो 2 8s 16, 2 के टेबल में 8, तो 2 4s 8. ये 4 किसके टेबल में आता है, 2 2s, क्योंकि 1s तो हमें लेना नहीं है. अंडरस्टूड. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट फैक्टर ट्री. नाउ लेट अस जंप टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीपल.
फैक्टर्स हमें पता है कि कोई भी नंबर दिया हो वो किसके टेबल में आता है वो हमें फाइंड करना। एंड सपोज मुझे लिखना हो 6 के मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल यानी ये देखो 6 के मल्टीपल लिखे तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 एंड सो ऑन। आगे जो भी नंबर आता है आगे भी नंबर आते हैं, राइट? सो मल्टीपल यानी उसके टेबल में कौन से नंबर आते हैं हमें वो लिखने, समझ में? मल्टीपल यानी अभी 6 के मल्टीपल लिखने, यानी 6 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो हमें लिख देने हैं। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है, इट इज गिवन 4 8 एंड देन ऐसे ब्लैंक दिया और लिखा क्या है, राइट द नेक्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच नंबर्स, यानी ये 2 नंबर दिए हैं उसके बाद के और 5 मल्टीपल हमें लिखने हैं। अभी देखो ये 4 8, यानी 4 1 4, 4 2 8, और 5 लिखने, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, डन। 5 हो गए, 1 2 3 4 5, इसके बाद के 5। अंडरस्टूड? देन ब्लैंक दिया तो 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, डन। जो भी नंबर दिए उसके और आगे के 5 नंबर मल्टीपल्स हमें लिखने, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी कैन राइट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कैलकुलेट एंड गिव रीजन, इज 42 अ मल्टीपल ऑफ 8? फोर्टी टू 8 का मल्टीपल है कि नहीं, इसका मतलब 8 के टेबल में 42 आता है कि नहीं? सो आवर आंसर इज नो, बिकॉज 42 डज नॉट अपियर इन, या फिर 42 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो 42 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8। यानी 42 और 8 को मैं डिवाइड करूँ तो उसमें कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। देख लो 42 8, सो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, 5 40 2 बचा, रिमाइंडर आया, इसका मतलब वो उसके टेबल में आता नहीं है। सो 42 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो 42 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8। इज 81 अ मल्टीपल ऑफ 9? तो 9 के टेबल में 81 आता है, यस। क्यों? बिकॉज 81 इज डिविजिबल बाय 9, सो 81 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अंडरस्टूड? अगर मल्टीपल है तो वो डिवाइड होगा और हमारा रिमाइंडर आएगा 0, अगर मल्टीपल नहीं है तो वो रिमाइंडर कुछ नंबर बचेगा डिवीजन में, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इवन एंड ऑड नंबर। फर्स्ट वी विल लर्न इवन नंबर्स।
इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके लास्ट डिजिट यानी यूनिट या फिर वंस वाली प्लेस पे या तो 0 आना चाहिए, 2, 4, 6 या फिर 8 आए। फॉर एग्जाम्पल 337,248, लास्ट में क्या आया? 8। तो ये हो गया हमारा इवन नंबर, लास्ट में क्या आया? 6। सो ये भी हमारा इवन नंबर है। लास्ट में 2 आया, सो ये भी हमारा इवन नंबर है। अंडरस्टूड? नाउ ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स उसके लास्ट डिजिट में ना तो 0 आएगा, ना तो 4 आएगा, ना तो 2 आएगा, ना 6 आएगा, ना 8 आएगा। यानी लास्ट डिजिट में 1, 3, 5, 7 या 9 आए तो वो ऑड नंबर हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा 9 है। सो दिस इज ऑल्सो लास्ट डिजिट 1 है, सो ऑड नंबर। अंडरस्टूड? ऑड एंड इवन। सो इवन नंबर हमेशा 2 के साथ डिवाइड होता होगा और ऑड नंबर हमेशा 2 के साथ डिवाइड होगा, बट उसमें कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, लास्ट में कुछ नंबर बच जाएगा। अगर लास्ट में नंबर बच जाए तो वो हो जाएगा हमारा ऑड नंबर, अगर लास्ट में 0 0 आंसर आ जाए तो वो इवन नंबर हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 1। एन सर्कल ऑल द ऑड नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो 45, 71, 66, 90, 34, 11, 6 एंड 52। अभी सभी के लास्ट डिजिट देखो, ना तो ये 0 है, ना 2 है, ना 4 है, 6 है, ना 8 है, तो ये ऑड हो गया। तो मैं ऑड को ही सर्कल करना है। यहाँ पे 1 तो ये भी ऑड, 6 आया तो इवन हो गया तो इसको सर्कल नहीं करना, 0 आया तो इवन, 4 आया तो इवन, 1 आया ऑड हो गया, 6 है तो वो भी इवन है, 2 है लास्ट में तो वो भी इवन है। सो दिस आर अवर ऑड नंबर्स। नाउ एन सर्कल ऑल द इवन नंबर्स इन द फॉलोइंग। इवन नंबर्स को हमें सर्कल करना है। 33, 10, 19, 59, 63, 75, 8, 44। इवन नंबर यानी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो वो नहीं है तो ये ऑड हो गया। ये 0, इवन, 9 तो ऑड, 9 भी ऑड, 3 भी ऑड, 5 भी ऑड, 8 इवन, 4 इवन। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 3। राइट ऑल द ऑड नंबर बिटवीन 100 एंड 120। ये दोनों के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं वो हमें लिखने हैं। सो 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119। Understood? Now, question number 4. राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 131 एंड 151। ये दोनों नंबर के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं वो लिखने हैं, यानी 132, 134, 136, 138, देन 140, 142, 144, 146, 148, 150। 151 यहाँ पे है, सो 150 तक। अंडरस्टूड? मल्टीप्लाई दिस नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। मल्टीप्लाई दिस नंबर राइट इफ देयर मल्टीपल इज ऑड और इवन। यानी फर्स्ट वन हमें दिया है 7 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसका हमें आंसर लिखना है और जो आंसर है वो इवन है या ऑड है वो भी लिखना है, राइट? सो 7, 6 जा 42,
टू आया तो हमारा नंबर क्या होगा, ये ई वन, देन फाइव इलेवन जा 55 होता है, सो ये क्या हो गया, पीछे 5 आया, सो ऑड, ए थ्री जा 24, पीछे 4 आया, सो इवन, एंड थर्टी सिक्स, दिस इज ऑल्सो इवन। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी थ्री इवन मल्टीपल ऑफ 3। इसके और तीन मल्टीपल लिखने हैं, यानी इसके टेबल में जो नंबर आते हैं वो तीन नंबर लिखने हैं, बट वो इवन होने चाहिए। तो 3 1 3, 3 2 6 इवन है, 3 3 9 नहीं, 3 4 12 इवन है, 3 5 15 नहीं, 3 6 18 इवन, डन। देन 9, 9 1 9 तो नहीं, 9 2 18, 9 3 27 नहीं, 9 4 36, 9 5 45 नहीं, 9 6 54, देन 13, 13 1 13 नहीं, 13 2 26, 13 3 39 नहीं, 13 4 52, 13 5 65 नहीं, 13 6 78। सो ये तीन मल्टीपल लिखे जो तीनों इवन है। अंडरस्टूड? थैंक यू।